मेरी समझ से बाहर है। यहाँ LBW की अपनी रन आउट का भी होगा मौका, लेकिन मिस किया इसे भी, नो डाउट। DRS लिया है, ये समझ से बाहर है मेरे, क्यों ऐसा किया। नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल और वॉचर शायर और सनराइजर्स हैदराबाद। आज फिरने वाले हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, राउंड 14 का ये अंतिम से दूसरा मैच, और बात करें दोनों टीमों की तो ऑलरेडी दोनों टीमें बाहर हो चुकी हैं यहाँ पर टूर्नामेंट से। 16 में से रैंक 14 पर है वॉचर शायर, हैदराबाद के लिए भी खराब ही रहा है टूर्नामेंट, रैंक 11 पर, लेकिन चाहेगी आज जीतना और अपनी रैंकिंग को सुधारना दोनों टीमें। पर्सनली लेवल पे ये इंपॉर्टेंट मैच है इन दोनों के लिए, टूर्नामेंट पे इसका कोई असर नहीं है जैसा मैंने कहा। अभी के लिए टॉस जीता वॉचर शायर ने, बैटिंग का फैसला किया है। पहली इनिंग यहाँ पर हो चुकी है पूरी दोनों टीमों की, 39 की लीड हैदराबाद के पास। बैटिंग में हमें फिर आना है, हम वॉचर शायर बने हैं तो सबसे पहले इस लीड को उतारना होगा, उसके बाद लीड देनी होगी, फाइनल स्कोर देना होगा हैदराबाद को। थोड़ा सा मुश्किल मैच इस समय लगता हुआ, देखते हैं किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है। टॉम फेल कप्तान और वेसल्स यहाँ पे आते हुए। वॉचर शायर एक ऐसी टीम है जिसके साथ हमने पहली जीत हासिल की थी इस टूर्नामेंट में, भुवनेश्वर सामने की तरफ से, होम ग्राउंड वॉचर शायर का है यहाँ पर। भुवनेश्वर स्लोअर और तेज गेंद रखने में माहिर, तो थोड़ा सा संभल के खेलना होगा इनकी गेंदों को। 131 की स्पीड से की अगली गेंद, देखते हैं अगली क्या करते हैं। कई बार 108 110 तक जाते हैं और कई बार 140 के आसपास से जाते हैं। अभी स्पीड थोड़ी और धीरे की, 125 की स्पीड से पहले दो रन आते हुए। वेसल्स कंटिन्यू करेंगे स्ट्राइक, हाल फिलहाल थ्रो बहुत ही खराब। वेसल्स एक बार फिर स्ट्राइक पे, रुक के खेल रहा हूँ मैं, स्पीड इस बार लेकिन बढ़ाई थी, इसलिए टाइमिंग इतना कुछ खास रहा नहीं है। ग्राउंड बड़ा लग रहा है, फील्डर्स को काफी वक्त लगा है यहाँ स्लिप से जाने में, 38 का हाफ पिच तक, बाउंड्री तक तो बहुत वक्त। अभी भी लीड उतरी नहीं है तो यहाँ पर, लेकिन बढ़िया अटेम्प्ट, संभलना होगा इनकी गेंदों पे, पहले ही करो, स्पीड बदल रहे हैं बार बार। वेसल्स काफी खराब गेंद, यहाँ पर बढ़िया कीपिंग, मुझे लगा डाइव लगाएंगे लेकिन लगाए नहीं डाइव, डाइव लगाते तो रन ले लेते हम लोग। चार गेंदे, 6 रन, लेट कट, 2 आने का चांस है। रीजन बहुत साफ है, आउटफील्ड सीरियसली बहुत खराब है, आउटफील्ड तो ग्राउंड बड़ा लग रहा है, ये मैंने उम्मीद नहीं की थी। वॉचर शायर के होम ग्राउंड में खेल रहे हैं हम लोग, काउंटी का है, इतने बड़े ग्राउंड नहीं होते काउंटी के, खास करके कंपेयर टू इंडिया के बड़े। मीडियम गति के गेंदबाज हैं और यही रीजन है कि हुक शॉट सही ढंग से ले नहीं पाए, टाइमिंग भी अर्ली रहा है, संभलना होगा, इनकी स्पीड काफ़ी ऊपर नीचे होने वाली है। 114 की स्पीड से की है पहली गेंद, खुल के शॉट खेलना मुश्किल होने वाला है यहाँ बीट होते हुए। रिकी वेसल्स बढ़िया टाइमिंग, गैप में जाता हुआ, लेकिन आउटफील्ड और बड़ा ग्राउंड, ऊपर से फील्डर भी हैं तो मुश्किल है यहाँ पे तीन लेना भी, यहाँ दो से ही संतुष्ट होते हुए बल्लेबाज। हैदराबाद यहाँ पे आई है नए गेंदबाज के साथ, खलील अहमद, 2 रन ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पे स्क्वायर फाइनल लेग से बहुत वक्त लगा है ऊपर आने में गेंद पे, थोड़ा सा अलग ट्रैक करना चाहते हैं इस बार, लेकिन नहीं, उधर ही खेला है वापस से स्क्वायर लेग के पास ही। आउटफील्ड तो पूरी डेड है यार, इतनी खराब आउटफील्ड तो बहुत रेयर देखने को मिलती है, 38 के बाहर ही रुक जा रही है गेंद। 19 की लीड बाकी है तो पहले उस लीड को खत्म करना होगा, यहाँ बढ़िया आइडियल टाइमिंग से शॉट, ओवर थ्रो भी हुआ है, फायदा उठाएंगे हम लोग इस बार इसका। कीपर की तरफ देनी थी थ्रो, कोई बात नहीं, काफी हद तक कंट्रोल में रही है ये मैच अभी तक वॉचर शायर के। यहाँ पे क्विक सिंगल रन आउट का रिस्क है, लेकिन या तो थ्रो अजीब आ रही है या तो थ्रो ही अजीब आ रही है, बाकी तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा। रशीद खान यहाँ पे स्पिनर को बुलाया गया है, मजा आएगी, याद रखना होगा 14 की लीड है, यहाँ पे डिफेंस में शुरुआत और कीपर अंदर से निकल गए बल्लेबाज के। फील्डिंग में बदलाव, यहाँ पे स्लिप लगाई गई है, हम डिफेंसिव खेलेंगे थोड़ी देर, जल्दबाजी नहीं करनी कोई भी। कवर और मिड विकेट का ही एक एरिया है जहाँ बड़े शॉट लगाए जा सकते हैं, बाकी मुश्किल है हर जगह। कप्तान टॉम फेल, ड्राइव शॉट, रन आउट का रिस्क, लेकिन बढ़िया रही है रनिंग और थ्रो भी खराब है, रनिंग की हम तारीफ कर रहे हैं लेकिन खराब थ्रो यहाँ पे ज्यादा बड़ा रोल। वेसल्स ने अभी तक काफी बढ़िया खेला, यहाँ 9 बॉल है लेकिन गैप ढूंढने में सफलता नहीं मिलेगी, एक्स्ट्रा रन एक और एक रनिंग का। 5वां ओवर, ऑफ साइड खेलने का डिसीजन, नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े बल्लेबाज के पैरों पे लगी है, रुक गई है गेंद, 1 रन, लेकिन 4 रन पीछे हैं, वरना बड़ा शॉट हम खेलते पॉइंट पर से, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है जल्दबाजी की, लीड ऑलमोस्ट उतर चुकी है, जल्दबाजी यहाँ पर पीछे कर देगी, ये बढ़िया शॉट, क्राउड खुश है, लेकिन फिर वही बात है कि आउटफील्ड पूरी तरह से गेंद को रोक दोगी, 2 रन आता हुआ। तीसरी गेंद,
फिर से बढ़िया इस बार शॉट पे खड़े फील्डर ने बढ़िया फील्डिंग की। एक रन की लीड इस वक्त है बाकी। बढ़िया शॉट, रिस्की रन और बराबरी पे आ गए अब, और इसी के साथ अब आना पड़ेगा हैदराबाद को बैटिंग। स्कोर्स इस समय हो गए लेवल और इसका मतलब है यहाँ पे एक रन की लीड आती हुई हैदराबाद पे, और अब यहाँ से हम लोग लीड चढ़ाएंगे और फाइनल टारगेट की तरफ बढ़ेंगे। टॉम फेल 14 गेंदे 18 रन वापस भेजा है मैंने, मुझे लगा टाइमिंग बेहतर है तो शायद जल्दी पहुंच जाएगा इसलिए वापस भेजा, रन आउट का रिस्क था। वेसल्स फ्रंट फुट पे डिफेंड, कवर पोजीशन पे दो फील्डर लगा दिए मेरी समझ से बाहर। यहाँ LBW की अपील, रन आउट का भी होगा मौका लेकिन मिस किया इसे भी। LBW नॉट आउट आता हुआ एम्पायर की तरफ से और फील्डिंग काफी अजीब, नॉट आउट। DRS लिया है, ये समझ से बाहर है मेरे क्यों ऐसा किया, मुझे आउट लग तो नहीं रहा है। फ्रंट फुट पे खेले थे मैं मानता हूँ ये बात, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट ही बाहर होगा। जी हाँ इम्पैक्ट ही बाहर है, बिगाड़ा है DRS। विकेट में भी अंपायर का कॉल आ रहा है जो कि नॉट आउट आया था, तो वेस्ट किया यहाँ पे DRS पूरी तरह से, नॉट आउट अंपायर की तरफ से। पॉइंट कवर का एरिया काफी ओपन है लेकिन गेंदे काफी अलग आ रही हैं, फिर से फील्डर के नॉन स्ट्राइक एंड पे लगी है बल्लेबाज के पैरों पे, रुकी है गेंद। लीड पहुंची है 10 पे, मैं चाहता हूँ 30 के आसपास पहुंचे फिर हम थोड़ा बहुत अग्रेसिव खेलें, अभी तक कंट्रोल में खेल रहा हूँ मैं, खराब गेंद आएगी तो खेलूंगा। लेकिन 50 ही पार्टनर से पूरी बहुत बढ़िया है, पैरों पे गेंद आती है तो रिस्क लिया जा सकता है और लिया भी है मैंने, लेकिन आउटफील्ड सही में ग्राउंड काफी बड़ा है, उम्मीद से मेरे काफी बड़ा है। दो रन यहाँ पे, पहला अग्रेसिव शॉट था हमारा। फुल लेंथ गेंद पैरों के आसपास आएगी तो बड़े शॉट लेने से नहीं डरने वाला मैं, फिर से यहाँ पे लिया अग्रेसिव शॉट, दो ले रहा हूँ वापस भेजा, ठीक है थ्रो काफी धीरे धारी आई है तो पूरा तो हो ही गया। बड़े शॉट का लालच थोड़ा सा बढ़ता हुआ यहाँ पे, बढ़िया कवर ड्राइव वापस भेज रहे हैं लेकिन नहीं वापस जा ही नहीं पाए थे, आधा क्रॉस हो गए थे। गैप की तलाश है यहाँ जा रही, यहाँ पे रूम देना चाहते थे फाइन लेग पे, बीट हुए, मौका था, मौका था यहाँ बोल्ड हो सकते थे, थोड़ी भी अंदर होते, थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स खेलना चाहते हैं। और बढ़िया शॉट जाता हुआ फाइन लेग पे दो के लिए, शॉट बहुत बढ़िया था, टाइमिंग आइडियल था, कंफ्यूज था मैं, बड़े शॉट लेना है लेकिन गेंद उस तरह की आए तब यहाँ पे, लेकिन अंडर, अरे अंडर क्या थ्रो दिया, मौका तक नहीं दिया, एक हाथ से लेके तुरंत दूसरी हाथ से फेंक दी, जनरली ऐसा होता नहीं, घूमते हैं टर्न लेते हैं फिर थ्रो देते हैं, ये गलती हो गई, बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दिया हमने, अभी भी 20 की लीड क्रॉस की थी, सोचा था 4-5 रन या बनाने के बाद या 10 रन करने के बाद अग्रेसिव खेलेंगे, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया एफर्ट रशीद खान की तरफ से गेंदबाजी में, खुद के ही थ्रो में रन आउट किया यहाँ पर वेसल्स को, और फाइनल स्कोर जो है हैदराबाद को 21 का मिला है। डेविड वार्नर गोस्वामी हैदराबाद को, उम्मीद है कि चेस कर लेंगे इसको, हम कोशिश करेंगे इन्हें ना करने दें, पहली ओवर करा रहा हूँ मैं कप्तान से ही, जिन लोगों को पता ना हो टॉम फेल गेंदबाज नहीं है बल्लेबाज ही हैं सिर्फ, और कप्तान होने का फ़ायदा उठाते हैं हर बार पहली ओवर करते हैं, मैडम पर जा रही थी लेकिन अब चौका गया आखिरी गेंद, दोनों बल्लेबाज लेफ्ट हैंडेड हैं, पैट ब्राउन गेंदबाजी में आए हैं, पहली बाउंसर रखी है, अगली गेंद साइड चेंज करके स्लोअर बाउंसर, लेकिन नहीं जो सोचे थे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बाउंस मिला था गेंद को अच्छा खासा, मैडन का मौका इनके पास भी है और लेकिन नहीं जाने दिया मैडन, बैक टू बैक 5 गेंदें डॉट गई थी दोनों ओवर्स में लेकिन आखिरी गेंदों पर रन आया है। एड बर्नार्ड को बुलाया गया गेंदबाजी में, विकेट एक भी नहीं इनके पास, कोशिश जारी एंगल की यहाँ पे लेकिन नहीं, अपील जरूर हुई है कोई मतलब नहीं लेकिन नॉट आउट यहाँ पर आता हुआ। अगली कोशिश गुड लेंथ पे स्लोवर किया और वन बाउंस पहुंचता हुआ, मैडन ओवर भी गया यहाँ पे, राउंड द विकेट क्रॉसिंग गेंद, अच्छा बाउंस अच्छी कीपिंग, वार्निंग मध्यम गति से यॉर्कर की कोशिश, मिड ऑफ में गए रन के लिए और चाहेंगे हम एक ही आए अधिक से अधिक। दूसरी गेंद छठा ओवर इनसाइड है लेकिन विकेट पे हिटिंग नहीं हुई है, ये पैडों पे लग गई है पैर पे, मैडन का मौका इसी यॉर्कर के साथ, फिर से बैट एंड पैड हुई है लेकिन स्टंप्स पे नहीं लग रही, किस्मत साथ देती हुई हैदराबाद का। 7वें ओवर की शुरुआत हुई है, बीट होते हुए वॉर्शायर अच्छा कर रहा है, बस विकेट चाहिए। अटेम्प्ट अगली गेंद बाहर की तरफ, पहले ही चले गया था पैर, पहले ही खेल गया था शॉर्ट वार्नर,
मौका मैडम का, लेकिन हमें चाहिए विकेट उससे ज्यादा। मैडम तो गया, लेकिन स्टैंडर्ड गेंद तेज रखा है, पेस बढ़िया, लेकिन कैप में पॉइंट पर से सिंगल के लिए दो रन। फिर ओवर से आता हुआ, 10 रन और चाहिए जीतने के लिए हैदराबाद को। पांचवा ओवर है, मैडन जाने का चांस है, सिर्फ दो रन दिए अभी तक। जी हाँ, मैडन भी गया है यहाँ पे। एक और ओवर, 10 ओवर में सिर्फ 11 रन हैदराबाद के। लेफ्ट आर्म को बुलाया गया, वैन पार्नर यहाँ पे 4 विकेट निकाल चुके हैं अभी तक। कप्तान कुछ अलग करना चाह रहे हैं यहाँ पर, बीट होते हुए गोस्वामी, रन नहीं मिला है, ये अच्छी बात है। डॉट गेंद ऑफ साइड पे रखना चाहते हैं, स्लोअर बीट बहुत नजदीक से। अभी के लिए ब्राउन को कंटिन्यू किया है, मौका तो बहुत बन रहे हैं सफल। अगली कोशिश स्विंग किया, पैरों पे जाके लगती हुई, बीट होते बल्लेबाज नहीं समझ पाएंगे इनको। अटेम्प्ट स्लोअर यॉर्कर का, अपील होगी यहाँ पर, लेकिन निराशा मिलने वाली है, नॉट आउट एम्पायर की तरफ से। 12वां ओवर, बड़ा शॉट देखना होगा, रोकते हैं यानी फील्डर को रोकना होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत बढ़िया ओवर डाला इन्होंने अभी तक, लेकिन शायद पैर टच हो गया है। अटेम्प्ट तो अच्छा था लेकिन सफलता नहीं। आती हुई तीसरी गेंद, बीट हुए हैं, अपील हुई है लेकिन मिसिंग है लेग साइड साइड, नॉट आउट एक बार फिर एम्पायर की तरफ से। आती हुई आखिरी गेंद, किनारा लेकर, भाई इसका तो कोई इलाज नहीं है, ड्रॉ होता हुआ मैच रोक सकते हैं लेकिन नहीं रोक पाए, बराबरी पे। आज से पहले सिर्फ एक बार मैच ड्रॉ हुई है। यहाँ पर बढ़िया गेंद, क्या ड्रॉ हो सकता है ये मैच। आखिरी गेंद, मैडन का चांस, स्लोअर गेंद है, पावरफुल हिटिंग है, और इसी के साथ यहाँ पे जीत हासिल करता हुआ हैदराबाद। 14 ओवर लिए हैं इसे चेस करने में, 21 रन 22 रन किया है, लेकिन अंत में जीत हासिल हुई है हैदराबाद। और शशांक ने कोशिश बहुत की आउट करने की, मौके बहुत सारे बने, गलतियां कर रहा था हैदराबाद कुछ कुछ जगहों पे, लेकिन अंत में जीत हासिल की है। फाइनल रिजल्ट पे वही काउंट होगा। काफ़ी बढ़िया रहा मैच, 14 ओवर तक फाइट दिया, बैटिंग में भी हमने नीड उतार के रन दिए थे, लेकिन विजय विनिंग टीम अपोनेंट बनी है यहाँ पे, श्रीवास गोस्वामी बनते हुए मैन ऑफ द मैच। नए टेबल में नंबर 9 पे आ गया है सनराइजर्स हैदराबाद, वॉशिंग शायद 14 पे है, बाकी की टीमें आप देख सकते हैं रैंकिंग में। आखिरी मैच होने वाला है चेन्नई और मुंबई इंडियंस के बीच में। अब दोनों आईपीएल की टीमें यहाँ पर, एक से एक टीम अंतिम से दूसरे पर है चेन्नई, और एक टीम ऊपर से टॉप से नंबर 2 पे है। चाहेगी यहाँ पर इंडियन फैंस चाहेंगे कि मुंबई इंडियंस जीते, क्योंकि सुपर किंग्स को यहाँ कुछ खोना है नहीं, तो अगर जीतती है मुंबई इंडियंस तो क्वालिफाई कर जाएगी, दूसरी टीम होगी जो क्वालिफाई कर जाएगी। पर देखते हैं, फाइनल मैच है राउंड 14 का और काफी कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ पे राउंड 14 के बाद। जो भी है, जैसा भी इंतजार करना होगा अगले वीडियो का, अभी के लिए ले रहा हूँ विदा, जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोस और चैनल को देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।